गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल नेहस किचन में। होली आने वाली है और एक चीज हमारे घर में नो डाउट बनता है और वो है दही बड़ा। कई जगह पे इसे दही भल्ला भी कहा जाता है। आप इसे मुंह में डालिए और ये डालते ही घुल जाते हैं। क्या है इसके सारे सीक्रेट्स और टिप्स, तो चलिए इसके लिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ले लें एक कप उड़द की दाल। आप इसे दो बार पानी से धो लें। उसके बाद आप इसमें एक से डेढ़ ग्लास पानी मिला दें और इसे कम से कम 4 घंटे के लिए या फिर रात भर भिगा कर रख दें। ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसे रात भर भिगा कर रखें। तो मैंने यहाँ दाल को रात भर भिगा कर रखा था और ये देखिए ये कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसी वजह से अगर आप रात भर भिगा के रखें तो ज्यादा अच्छा है। फिर आप इसे छान कर या इस तरीके से हाथों से छान कर मिक्सर बाउल में डाल लें। तो पहले हमें इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। तो ये थोड़ा सा दरदरा हो चुका है, अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। तो कोई भी चीज को अगर आपको बहुत फाइन पीसना है तो आप पहले उसे ड्राई पीस लें और उसके बाद उसमें पानी मिलाएं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया है और इसे एक बार फिर से मिक्सर में घुमा लिया है। और ये देखिए एक अच्छा सा गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो ये एकदम चिकना रहना चाहिए, एकदम फाइन पेस्ट इसका बनना चाहिए। तो आप इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल लें। तो याद रखिएगा हमें इसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। और अब हमें इसे अच्छे से हाथों से फेंटना है। तो आप फेंटते वक्त इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, इसे उल्टा डायरेक्शन या आगे पीछे करके मत फेंटिएगा। तो ज़्यादातर लोग गलती यहीं पर कर देते हैं। तो आपको ये काम हाथ से ही करना है, आप यहाँ पर कोई हैंड ब्लेंडर का यूज़ मत करिएगा। तो आपको इसे कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें बहुत अच्छे से एरिएशन आ सके और जो वड़े हैं वो बहुत ही हल्के और सॉफ्ट बने। तो फेंटते वक्त इसमें इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। तो लोग मोस्टली यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो बैटर को अच्छे से फेंटते नहीं है और इस वजह से जो वड़ा है वो अच्छे से दही एब्जॉर्ब नहीं करता। तो आप ये स्टेप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वड़ा का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। तो ये करने में मुझे 8 से 10 मिनट ही लगे और ये बैटर एकदम सॉफ्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा इसमें एरिएशन आ चुका है। तो अगर मैं इसे हाथ में कुछ इस तरीके से पकड़ रही हूँ तो ये नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, मतलब ये बिल्कुल राइट टेक्सचर है बड़े के लिए। तो जो दही वड़ा का वड़ा होता है उसमें खुद भी एक बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। तो इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है 2 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ। ये ऑप्शनल है बट आप ये ज़रूर डालिएगा, इससे वड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ ही आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, मतलब कुछ 1/4 चम्मच नमक। आप इसमें इस वक्त नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि जब वड़े के ऊपर हम दही डालेंगे, चटनी डालेंगे तो उसमें भी ऑलरेडी नमक होगा। इसीलिए आप इसमें बहुत ही थोड़ा सा नमक मिलाएं और इसे हल्के हाथों से बस इस तरीके से मिक्स कर लें। आपको ऐसी ही सारी रेसिपी, सारी टिप्स एंड सीक्रेट के साथ मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब बारी आ गई है वड़ा को तलने की। तो आप कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में रखें और जब तेल गर्म हो जाए आप उसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखें। अगर वो टुकड़ा ऊपर की ओर आ रहा है इसका मतलब जो तेल है वो एकदम रेडी है वड़े को फ्राई करने के लिए। तो आप यहाँ हाथों से कुछ इस तरीके से इसमें वड़ा डालें। तो फ्राई करते वक्त आप वड़ा थोड़ा छोटा डालिएगा क्योंकि जब ये फ्राई होगा और पानी में जब हम इसे डालेंगे इसका साइज डबल हो जाएगा। तो वड़ा डालने के बाद आप उसको ऊपर से कुछ इस तरीके से उसमें तेल डालिएगा। इससे 2 फायदा होगा, एक तो वड़े को दोनों साइड से हीट मिलेगी और जब आप वड़े को पलटेंगे तो ये नीचे पैन या कढ़ाई में से चिपकेगा नहीं। तो मैंने तेल को कुछ इस तरीके से इसमें डाला है। तो आप ये बिल्कुल केयरफुली करिएगा कि जो तेल है वो बाहर कढ़ाई में से ना निकले। तो आप हल्के हाथ से धीरे धीरे इसमें इस तरीके से तेल डालिए। तो मैंने इसे दूसरे साइड से भी पलट लिया है और ये देखिए वड़े कितने हल्के हो चुके हैं, एकदम ये तेल के ऊपर आ चुके हैं। आप एक बड़े से बर्तन में कुनकुना पानी ले लें और उसमें डाल दीजिए आप 1/4 चम्मच नमक। यहाँ आप ज़्यादा नमक ना डालिएगा, पानी आप उतना ही लीजिएगा जिसमें सारे जो वड़े हैं वो आ जाएं। वड़े फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसमें से अब कोई बबल्स नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये अंदर से भी पूरी तरीके से पक चुका है। जब हमने इसको तेल में डाला था उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स निकल रहे थे तो ये अच्छा इंडिकेशन है। तो जब वड़े में से बबल्स निकलना बंद हो जाए इसका मतलब वड़ा पक चुका है। आप इसे छान लें और इमीडिएटली आप इसे कुनकुने पानी में डाल लें। पानी यहाँ पर आप कुनकुना ही यूज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत यूज़ करिएगा, नहीं तो जो वड़े हैं वो अच्छे से दही एब्जॉर्ब नहीं करेंगे।
पर मैं आपको एक वड़ा काट के भी दिखाती हूँ। देखिए ये बाहर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है, तो अंदर से इसमें कितना अच्छे से जाली बना हुआ है, मतलब ये दही बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। और इसका बाहरी जो किनारा है वो बिल्कुल क्रिस्पी है, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दही वड़ा इमली की चटनी के बिना तो अधूरा ही है। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम इमली को गर्म पानी में आधा घंटे के लिए भिगा कर रखा है। तो ये अच्छे से भीग चुका है, ये देखिए एकदम ये सॉफ्ट हो चुकी है इमली। तो यहाँ हम इमली को छान लेंगे। तो आप एक छन्नी से इमली पूरा अच्छे से छान लें, ताकि इमली के रेशे और उसमें का जो बीज है वो उसमें से अलग हो जाए। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इमली पूरा अच्छे से छान लिया है। तो ये जो इमली का पल्प है और जो पानी है, इसे हम अच्छे से पहले पका लेंगे, इसकी चटनी बनाएंगे। तो पैन को रखें आप मीडियम फ्लेम में और उसमें डाल दें 2 से 3 चम्मच तेल। और तेल जब गर्म हो जाए उसमें आप डाल दीजिए 1/4 चम्मच जीरा। और जीरा जब थोड़ा सा चटकने लग जाए आप उसमें डाल दीजिए इमली का पानी जो हमने पहले बना के रखा है। तो इमली डालने के बाद हमें इसे उबालना है। और ये इमली में अच्छे से उबाल आ चुका है, इसमें आप डाल दें फिर गुड़। तो जितना आपने इमली लिया है आप उसमें उतना ही गुड़ डाल दें। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद या नहीं है तो आप यहाँ शक्कर भी डाल सकते हैं। तो गुड़ डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें फिर से एक बार उबाल लाना है। तो यहाँ अच्छे से उबाल आ चुका है और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। तो इसमें आप डाल दें 1 चम्मच भुनी हुई जीरे का पाउडर। इमली की चटनी में भुनी हुई जीरे का पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद आप इसमें डाल दें थोड़ा सा लाल मिर्च। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच लाल मिर्च लिया है, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1/4 चम्मच नमक। तो ये सारी चीज़ें डालकर हमें इसे एक बार और उबाल लाना है। तो आप इसे बहुत गाढ़ा मत करिएगा, क्योंकि ये चटनी बनने के बाद वैसे भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ इमली की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इसे पूरा ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर में, और उसके बाद हम इसे दही वड़े में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप दही। तो आप अच्छा गाढ़ा दही यूज करिएगा, और दही में आप डाल दें अपने स्वाद के अनुसार नमक। आप चाहें तो इसे पूरा मीठा दही भी बना सकते हैं, पर मुझे दही वड़ा थोड़ा खट्टा पसंद है। तो आप इसे विस्क से थोड़ा इस तरीके से अच्छे से विस्क कर लें, मतलब अच्छे से मिला लें। आप इसे दाल मखनी से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच शक्कर, थोड़ा सा इसे मीठा बनाने के लिए। तो आप चाहें तो इसमें 4 बड़े चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है। और यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें 1/2 चम्मच काला नमक। तो काला नमक से दही का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दही वड़े में। तो आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारा जो फ्लेवर है नमक और शक्कर का दही में आ जाए। और ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ एक दही बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल ये खाने में क्रीमी लगता है। तो हरी चटनी के लिए आप ले लें 1 कटोरी धनिया पत्ती। तो जिस मिक्सर जार में मैंने जीरा को ग्राइंड किया था, मैंने उसी में ही हरी चटनी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है धनिया, और उसके साथ ही आप डाल दें इसमें 1/2 कटोरी पुदीना का पत्ती, मतलब मिंट लीव्स। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 इंच टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और फिर इसमें आप डालिए हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और इसमें आप डाल दीजिएगा 2 से 3 लहसुन की कलियां। और इसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा अपने स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी, ताकि जो चटनी है उसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो सके। तो यहाँ हरी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो थोड़े से फ्लेवर के लिए मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच भुनी हुई जीरे का पाउडर, या तो आप पीसते वक्त भी इसमें जीरा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ भुनी हुई जीरे का यूज़ किया, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बहुत पसंद है। और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1/4 नींबू का रस, ताकि जो हरा रंग है इसका इसमें बरकरार रहे। तो नींबू का रस डालने से चटनी जो है वो काली नहीं पड़ती। तो यहाँ ये जो वड़े हैं वो अच्छे से भीग चुके हैं, अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लिए हैं। देखिए इसका साइज भी डबल हो चुका है। तो आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें से इसका एक्स्ट्रा पानी आप निकाल दें। आप इसे ज़ोर से मत प्रेस करिएगा, नहीं तो ये पूरा टूट जाएगा।
और आप इसे एक बाउल में निकाल लें। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों हाथ के बीच में इसे रखकर इस तरीके से हल्का सा आप इसे प्रेस करें। तो कुछ वड़ा को मैंने इस तरीके से हल्का सा कट कर दिया है ताकि इसमें अच्छे से दही का फ्लेवर जा सके। तो सर्विंग प्लेट में आप रखें दही वड़ा और उसमें डालें आप दही। तो दही डालने में आप कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा ताकि जो वड़ा है वो अच्छे से दही पी सके, मतलब एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ मैंने 5 से 6 बड़े सर्विंग स्पून से इसमें दही डाला है और फिर मैंने इसमें डाला है भुनी हुई जीरे का पाउडर। तो भुनी हुई जीरे का पाउडर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये आप पर है आप इसे डालना चाहें या ना डालना चाहें, पर दही वड़े में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर हमें डालना है खट्टी मीठी हमारी इमली की चटनी। तो इमली की चटनी आप सारे वड़े के ऊपर कुछ इस तरीके से डालिएगा। और फिर बारी आती है हमारी ग्रीन हरी चटनी की। तो हरी चटनी, इमली की चटनी, दही, जीरा का पाउडर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर आप इसमें डालिएगा अनारदाने, ये ऑप्शनल है बट दही वड़े में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ये मज़ेदार दही वड़ा अगर खाने में थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इसे सर्व करने के पहले आधा घंटा फ्रिज में रख दें और इसे ठंडा ठंडा खाएं ताकि दही वड़े में इसका अच्छे से फ्लेवर आ सके। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।